फ्रेंड्स, आई एम अक्षता गौर। आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ वर्ड प्रॉब्लम ऑन डिवीजन। और हमारे मैथमेटिक्स की बुक्स में चैप्टर्स के क्वेश्चंस में हेडिंग्स लिखी रहती हैं, जिससे हमें समझ में जाता है कि उस क्वेश्चन के वर्ड प्रॉब्लम में हमसे क्या पूछा गया है, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। लेकिन जब हमारे टेस्ट या फिर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बिना हेडिंग दिए वो क्वेश्चन आ जाता है, और उसमें समझ में नहीं आता है बच्चों को कि उसमें वर्ड प्रॉब्लम कौन सी पूछी हुई है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ कि कैसे पहचानेंगे कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या वर्ड प्रॉब्लम पूछी गई है। और ये आप समझेंगे, इजी तरीका आप समझेंगे पिक्चर से। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बता देती हूँ। आई स्कूल ऑर्डर्ड फॉर 9036 न्यू डायरीज। मींस एक स्कूल ने मंगवाई 9036 नई डायरीज। द डायरीज विल बी डिलीवर्ड इन 3 इक्वल शिपमेंट्स। और डायरीज 3 बराबर बराबर शिपमेंट में स्कूल पहुंचेंगी। हाउ मैनी डायरीज विल बी देयर इन ईच शिपमेंट। और हमें बताना है कि डायरीज स्कूल में कितनी पहुंचेंगी। हमें बताना है कि तीनों शिपमेंट्स में कितनी बराबर बराबर डायरीज आएंगी। कोई भी शिपमेंट मिस होता है, जब हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो कोरियर वाला हमें वो चीज़ देकर जाता है, इस प्रोसेस को हम शिपमेंट कहते हैं। इस पिक्चर से हमें समझ में आ गया है कि 9036 डायरीज को 3 बराबर बराबर पैक में रखा गया है, 3 बराबर बराबर पैक में बांटा गया है। और बांटने का मतलब होता है डिवीजन करना। इस क्वेश्चन में हमें डिवीजन निकालना है। अब हम डिवाइड करके देख लेते हैं। हम पहले डिवाइड का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे 9036। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसे कौन से टेबल से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम इन शिपमेंट्स को काउंट करेंगे। शिपमेंट्स है 1, 2, 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। अगर ये शिपमेंट्स 4 होते तो हम यहाँ 4 लिखते। अगर ये शिपमेंट्स 5 होते तो हम यहाँ 5 लिखते। ऐसे ही जितने शिपमेंट्स होते हैं हम उतने ही टेबल लिखते हैं। 3, 3 जा 9, हम यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 9। 9 को 9 से सेपरेट करेंगे तो आंसर आएगा 0। अब हम इस 0 को नीचे लाएंगे। थ्री से ये 0 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम इस 0 को यहाँ ऊपर लिख देंगे। अब हम इस 3 को नीचे लाएंगे। 3, 1 जा 3, हम यहाँ ऊपर 1 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, 3 को 3 से सेपरेट करेंगे तो आंसर आएगा 0। अब हम इस 6 को नीचे लाएंगे। 3, 2 जा 6, हम यहाँ लिखेंगे 2 और 6 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0। मीन्स हमारा रिमाइंडर आया है 0। मीन्स हमारा आंसर आया है 3012। मीन्स हर एक शिप में 3012 डायरीज भेजी गई। अब हम पहचानेंगे कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। ये पहचानने के लिए हम इन 3012 को 3 बार ऐड करके देखेंगे। हम लिखेंगे 3012। अब इसे ऐड करके देखेंगे। 2, 2 8 किया 4, 5, 6, यहाँ 6 लिखेंगे। 1, 1, 1 ऐड करते हैं तो आएगा 3। 0, 0, 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा।
3 3 6 7 8 9 मीन्स अब हमें समझ में आ गया है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे एडिशन के आंसर में आया है 9036। ये देखिए 9036। आज के वीडियो में मैंने आपको डिवीजन वर्ड प्रॉब्लम बता दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन, मैंने आपको डिवीजन वर्ड प्रॉब्लम बता दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम। कीप स्टडी, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।